हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम प्रमुख पुरस्कार तथा सम्मानों से रिलेटेड पांच महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो ये है इसका पार्ट 11। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतम योगदान के लिए। ऑप्शन ए वन रोपण तथा प्रतिभूमि के संरक्षण में, ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ऑप्शन सी वन्य जीव संरक्षण में, ऑप्शन डी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अब आते हैं सवाल नंबर दो पर, लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी संगीत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए खेल। अब आते हैं सवाल नंबर तीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन सी ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। अब आते हैं सवाल नंबर चार पर, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है। ऑप्शन ए ध्यानचंद पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए संगीत एवं नृत्य, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेलकूद, ऑप्शन डी कला एवं संस्कृति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खेलकूद। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। वैसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।